Welcome dear students. So today in this video lecture what we are going to discuss students, I am going to tell you about adrenal medulla. So in my last video I told you about adrenal cortex. In this lecture I am going to tell you about adrenal medulla. I told you that adrenal glands, it consists of two parts, that is cortex and medulla. So we are going to discuss about adrenal medulla. It will form the central core of students, ye banayega central core of adrenal gland. Adrenal gland ka ye central core banata hai aur it produces two structurally similar hormones like adrenaline and noradrenaline. So these are the hormones, and adrenaline, it is also known as epinephrine, students. Epinephrine and this epinephrine, and this is called norepinephrine. Okay students, so next we are going to discuss about the basic role of this adrenal medulla. So they have a similar function, and it will prepare the body for emergency. Prepare body for emergency. Next point, agar hum log baat kare, so they are called emergency hormones. These epinephrine or adrenaline or noradrenaline, they are called emergency hormones. तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे ये समझना है कि इमरजेंसी हार्मोन्स इनको क्यों बोला जाता है, क्या ये इमरजेंसी कंडीशंस में ही फंक्शनल होते हैं. इमरजेंसी हार्मोन्स हैं एंड दे हैव अ सिमिलर फंक्शन एंड दे प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी एंड दे आर द हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. दे आर द हार्मोन्स ऑफ फाइट, मीन जितनी भी फाइटिंग कंडीशन होंगी या फिर फ्लाइटिंग कंडीशन होगी. अचानक से आप डर गए, आपको कहीं पे एस्केप करना है, दैट इज कॉल्ड फाइटिंग और फ्लाइटिंग हार्मोन. एंड द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ द हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन वैरीज इन एनिमल्स. जो प्रोपोर्शंस हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के, ये वैरी करते हैं एनिमल्स में, और ह्यूमन प्रोड्यूस करता है मोर अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन. एंड दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस. स्टूडेंट्स ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे विद रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस जो है कंडीशंस होंगी, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन. इमरजेंसी वर्ड को तो आपको भूलना ही नहीं है, और फाइटिंग और फ्लाइटनिंग हार्मोन को. और जैसे कि अचानक से सडन फियर हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन से, सडन फियर, आप अचानक से डर जाते हैं, आप एंगर आता है आपको, गुस्सा आ रहा है, या आप अपने वर्क में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सो एट दैट टाइम दिस हार्मोन्स विल रिलीज. सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इन हार्मोन्स के क्या इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स. एड्रेनल मेडुला का इफेक्ट देखते हैं हम लोग. इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, इसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. So these are the hormones, these are the hormones, and what are the effects we are going to discuss here students. So now I am going to tell you about the effects, that is it will increase the heartbeat rate. Yahan pe jo hamare person ki heartbeat rate hai wo badh jati hai, aur rate the increase the heart contraction, jo hamara heart ka contraction hai, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट, सो वो भी बढ़ जाएगा. एंड इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पायरेशन, और रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी बढ़ने लगेगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन. और दूसरी बात, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, इट विल ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ. जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा स्टूडेंट्स स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, और ये जो ग्लाइकोजन है ये हो जाएगा ग्लाइकोजिनोलिसिस. प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस.
मीन्स यहाँ पे ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे उस पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है और वो भी काफी बढ़ जाएगा, और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेगा, उस पर्सन का ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारे आई में जो प्यूपल्स हैं, प्यूपल ऑफ आई, वो भी क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो एक्टिविटी है, GIA, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी यहाँ पे। और जो ब्लड फ्लो है कैपिलरीज का नियर द ब्लड सर्फेस, वो भी रिड्यूस हो जाता है, और ये ब्लड को डाइवर्ट कर देगा उन ऑर्गन्स में जो कि एक्सटर्नल एक्टिविटी, जैसे हमारे ब्रेन है, मसल्स हैं, तो वहां तक ब्लड को पहुंचा देते हैं ये हार्मोन्स, ब्रेन और मसल्स तक। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे स्टूडेंट्स इनके, इन हार्मोन्स के। तो दिस इज ऑल अबाउट एड्रेनल मेडुला स्टूडेंट्स, और बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मुझे लगता है आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपकी स्टडीज, आपके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करेगा, और हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। इसलिए आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून टू माय चैनल, देन ओनली यू कैन गेट माय ऑल अपडेट्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट्स। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।